अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अदनान सेलफोर्ड जीएसएम के पैनल से एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और आज जो मैं डिवाइस लेके आया हूँ वो है ZTE का ब्लेड V30, जो कि स्पेसिफिकेशन के साथ आया है 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा और जिसके साथ 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल AI कैमरा है। उसके साथ फ्रंट इसका जो है वो है 8 मेगापिक्सल और 6.82 इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ विद साइड फिंगर सेंसर और 5000 mAh बैटरी। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस बजट में इससे बेहतर डिवाइस आपको मार्केट में मज़ीद नहीं मिलेगी। इसकी जो इनवाइस प्राइस है वो तकरीबन 31,000 के राउंड अबाउट है और ये आपको जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो ये है कि 31 से 32 के बिटवीन काउंटर पर मिलेगा। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की जाने। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लुक के अंदर है ये, और इसके साथ इन्होंने जो इसमें कंट्रास्ट दिया कलर का वो बहुत अच्छा है। ये इसका साइड फिंगर सेंसर है और अब हम इस डिवाइस को ऑन करते हैं। इसके साथ हम चलते हैं कि इन्होंने अपने बॉक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कवर नहीं दिया हमें, इसके साथ इन्होंने हमें दिया है एक अदद प्रोटेक्टर जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, और ये इसके साथ जो है सिम जैकेट ओपनर है। उसके साथ इन्होंने हमें दिया है एक अदद चार्जर, और जिसकी वोल्टेज इन्होंने शो की है 18 वॉट का इन्होंने फास्ट चार्जर दिया साथ में। और टाइप सी केबल जो कि फास्ट चार्जिंग को मज़ीद सपोर्ट करेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। और साथ में इन्होंने जो दिया है वो है एक अदद हैंड फ्री, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और आजकल आप जैसे जानते हैं हर फ़ोन के अंदर कंपनी हैंड फ्री नहीं देती, बहुत रेयर चांस होते हैं जिसमें ये हैंड फ्री इंक्लूड होती है। तो अभी हम चलते हैं सेट के डिस्प्ले की जानिब और फर्दर इसको हम बूट करते हैं और देखते हैं कि इसके कैमरा की क्वालिटी कैसी दी है उन्होंने। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, क्योंकि 6.82 इन्फिनिटी एचडी डिस्प्ले है इसका, जिसकी वजह से कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अभी हम इसका कैमरा रिज़ल्ट को भी चेक करते हैं। कैमरा रिज़ल्ट कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स और टेक्नो इसका फार बेटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इंस्टेड ऑफ आप टेक्नो या इन्फिनिक्स के अंदर जाएं और आउट ऑफ प्राइस, क्योंकि वो शॉर्ट मॉडल्स हैं जिसकी वजह से आपको टेक्नो के अंदर ऑलमोस्ट 32,000 के बिटवीन डिवाइस मिल रही है, जिसकी जो स्लॉट है चार्जिंग की वो भी नॉर्मल है, ना कि टाइप सी। इसी तरह से अगर आप इन्फिनिक्स में जाएं तो इन्फिनिक्स का आपको इसी स्पेसिफिकेशन के साथ, इवन कि उसका जो बैक कैमरा वो 13 मेगापिक्सल है और इसका 48 है, तो वो आपको तकरीबन 35,000 में मिल रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट डिवाइस है इस बजट के अंदर और आपको मस्ट परचेज़ करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।